हम पर झूठा ही सीबीआई ने आरोप लगा दिया है। अफवाहों का बाजार गर्म करने के लिए षड्यंत्र के तहत झूठा आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने जगह जगह पोस्टर चिपकवाया कि हम 15 लाख का इनाम देंगे, 15 लाख का इनाम देंगे। सीबीआई नहीं, सीबीआई के कुछ एक पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व एमएलसी हुलास पांडे हैं, जो कि कल तक लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वजह ये रही कि सीबीआई के द्वारा दायर चार्जशीट में इनको ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में आरोपी बताया गया है। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपको आरोपी जो है सीबीआई ने बताया है और कल आपने इस्तीफा भी दे दिया पार्टी से, क्या वजह रही इस्तीफा देने के पीछे की, सबसे पहले कहानी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, सामने लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे वक्त में आपने पार्टी के संसदीय पद से, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। निश्चित तौर पे जैसा कि कल भी हम सब मीडिया के जितने भी कर्मी आए थे, मीडिया के साथी आए थे, सबको हमने अपना पक्ष रखा था कि जब हम पर झूठा ही सीबीआई ने आरोप लगा दिया है, तो जब तक हम इस झूठ का पर्दाफाश नहीं करते, जब तक न्यायालय से हम अपने आप पाक साफ नहीं कर दे, तब तक नैतिकता के आधार पर हमने अपने पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। हमारी नैतिक जवाबदेही बनती है कि किसी घटना में भले ही वो अफवाहों का बाजार गर्म करने के लिए षड्यंत्र के तहत झूठा आरोप लगाया गया है और चार्जशीट दायर किया गया है, लेकिन जो हमारा पक्ष था कि हम अपने नैतिक जवाबदेही को पूरा करते हुए हमने पार्टी से इस्तीफा दिया। सर, ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड काफी चर्चित हत्या रहा है और उसमें 8 लोग को आरोपी बताया गया है सीबीआई के द्वारा, उसमें एक आपका भी नाम है, तो कितना असर पड़ा सर आपके लाइफ पे और क्या कहेंगे, क्या जो आप जैसे कह रहे हैं आप कि आपको, आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, क्या कहेंगे इसको? जैसा कि आप जानते हैं कि जब जब चुनाव आता है, जब जब विधानसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद का चुनाव हो, तब तब ऐसे आरोपों का हथकंडा अपनाकर हमारे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा हमेशा से षड्यंत्र रचने का उन लोगों ने काम किया है और उसी का एक ये भी कड़ी है। अब जब लोकसभा का चुनाव नजदीक है, जहां एक तरफ हमारी पार्टी और हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर, हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का विजन को लेकर गांव गांव जा रहे हैं, प्रत्येक जिला में हमारी पार्टी कार्यक्रम कर रही है, और वैसे में 12 साल पुराने मामले में आप देखेंगे कि ये 2012 की घटना है और आज 2023 हो गया, तो इतने वर्षों के बाद चार्जशीट करके उसमें हमारा नाम जोड़ देना अपने आप में ही संकेत देता है कि भाई ये राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से अगर प्रेरित नहीं है, तो साल दो साल पहले तक सीबीआई ने जगह जगह पोस्टर चिपकवाया कि हम 15 लाख का इनाम देंगे, 15 लाख का इनाम देंगे, कोई साख देगा 15 लाख का इनाम देंगे, तो अब कौन सा नया उनको मिल गया, क्या मिल गया, तो न्यायालय में उसको हम लोग कैसे साबित करेंगे सर कि सत्या में आपकी संलिप्तता नहीं है? सर, सच को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, सच सच ही होता है और अपने सच का पक्ष न्यायालय में हम रखेंगे, और सच को झूठ बनाने वाले को अपना पक्ष रखना होगा कि वो कैसे हमको झूठा केस में। बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि जिस दिन हत्या हुई उस दिन आप मौका वारदात पे नहीं थे, कहीं और थे, क्या मामला? हम पटना में थे, हम पटना सरकारी आवास, उस समय हम एमएलसी थे और पटना सरकारी आवास 26/84 हमारा जो न्यू पुनाई चौक आवास था, हम उसमें थे और हम अकेले थोड़े थे, वहां पर सरकार के द्वारा प्रतिरूक्त हमारे 5-6 अंग रक्षक भी थे और भी हमारे राजनीतिक सहयोगी थे, जो इस बात का प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात है श्रीमान कि हम पटना में थे, ये तो अलग विषय है, क्यों हम परमेश्वर मुखिया जी की हत्या करेंगे? स्वर्गीय मुखिया जी से हमारे अच्छे संबंध थे, स्वर्गीय परमेश्वर मुखिया जी अभिभावक तुल्य थे और हमारा उनका संबंध ऐसा था कि हमारे यहाँ उनका आना जाना था, उनके यहाँ हमारा आना जाना था, एक दूसरे का हम लोगों ने हमेशा मदद सहयोग किया है और उनके परिजन भी जानते हैं इस बात को, हमारे समाज के लोग भी जानते हैं इस बात को, ना उनसे कोई हमको नुकसान होना था। सीबीआई का हम देख रहे थे, आज मीडिया के अखबार में कहीं न्यूज आया था कि राजनीतिक विद्वेष से, तो ना कभी वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, हम 2009 में एमएलसी बने तो हमारे खिलाफ मुखिया जी तो चुनाव लड़े नहीं थे, और ना मुखिया जी 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े तो हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े, तो कैसा राजनीतिक विद्वेष? ये भ्रम फैलाने के लिए, हमारे समाज को बांटकर क्षति पहुंचाने के लिए
ये झूठा आरोप षड्यंत्र के तहत लगाया गया है और सीबीआई के कुछ एक पदाधिकारी, हम बार बार कोट करते हैं, सीबीआई नहीं, सीबीआई के कुछ एक पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं और ये खुलासा न्यायालय में होकर रहे। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के क्या तैयारी आपके, क्या 24 में आप मैदान में उतरने वाले हैं, क्या इसी चीज को लेकर के आपको टारगेट किया गया है, आपका ऐसा मानना है? लोकसभा का चुनाव अपने जगह पर है, पार्टी मजबूती से अपने सिटिंग सीटों पर दावा करते रही है और हम संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे तो निश्चित तौर पे हमारा भी दायित्व तो बनता है कि जो जो हमारी सीटिंग सीटें हैं उस पर। आपके भी चुनाव लड़ने की तैयारी थी? नहीं है, देखिए तैयारी तो हमारा सभी सीटों पर सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों का रहता है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होता है उसके अनुरूप हम लोग चुनाव लड़ते हैं। जो पार्टी तय करती है, संसदीय बोर्ड से जब आप नामित होते हैं जो सीट चिन्हित होता है, फिर गठबंधन में कौन सीट आपके झोली में जाता है, कौन उम्मीदवार होगा, ये सब एक हम लोगों का पार्टी के अंदर का एक प्रक्रिया है। तो ये कहीं से तो चर्चा ही नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना है, कहाँ लड़ना है। हाँ, लेकिन हमारे विरोधियों में कुछ न कुछ ऐसा गलतफहमी उनके दिमाग में आया होगा, डर सताया होगा और वैसे भी देख रहे थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन में इतने मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारे नेता तो बिहार के एकमात्र उम्मीद हैं और इस मुहिम को कमजोर करने के लिए इस षड्यंत्र के तहत हमको फंसाया। एक आखिरी सवाल, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको प्रतिनिधि के तौर पर देखा जा सकता है, क्या जनता उल्लास पांडे को उम्मीदवार देख सकती है लोकसभा के लिए? अभी तो देखिए गठबंधन में कौन सीट कहां से किसको मिलना है ये तय नहीं है और ये बात पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि हमारे यहाँ कौन उम्मीदवार होगा, किस सीट पर कौन लड़ेगा और इसके लिए राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड समय आने पर निश्चित तौर पे घोषणा करेगी, वहां तय होता है। चलिए तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व एमएलसी उल्लास पांडे थे और ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड को लेकर के इनको आरोपी बनाया गया और इस मामले पर इनसे बातचीत हो रही थी और इन्होंने तमाम बातें बताई कि आखिर क्यों इन्होंने पार्टी के संसदीय बोर्ड पद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।